श्री गणेशाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। एक ही पीड़ा, एक ही कांटा चुभा है सभी की छाती में, वह चाहे नदी हो चाहे आदमी हो। नदी ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हवा में घुल जाने पर मैं कैसे जानूंगी कि मैं हूं ही? मेरा तो रूप बदल जाएगा, फिर मेरी पहचान कैसे रहेगी? मैं तो पानी से भाप बन जाऊंगी। पहचान, इस शब्द को समझ लेना, यह पाप का सार है। पहचान, लोग कैसे रिक्रिएट करेंगे? मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान खो जाएगी। गंगा का एक नाम है, यमुना का एक नाम है, हवा में खोकर तो नाम नहीं रह जाएगा। गंगा का जल यह दावा नहीं कर सकेगा कि मैं पवित्र गंगा का जल हूं, गंदे डबरे के जल के साथ एक हो जाएगा। गंगा का जल यह न कह सकेगा कि मेरे किनारे हजारों हजारों लोग मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। दावेदार लोग खो जाएंगे, पहचान न रह जाएगी, नाम रूप मिट जाएगा। राम को रूप को, नाम रूप को बचाने की आकांक्षा संसार है। तुम बचाना चाहते हो किसी तरह, नाम बचे, रूप बचे, मैं बचूं, चाहे दुख ही रहे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बचूं। तुम नरक भी पसंद करोगे अगर तुम्हारी पहचान हो। रास्ते पर लोग तुम्हें नमस्कार करते हो। बरना शाह ने कहा है, गहरे व्यंग में कहा है, लेकिन सत्य है, हर आदमी के भीतर की बात है। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैं नरक पसंद करूंगा, लेकिन नंबर एक होना चाहता हूं। स्वर्ग में नंबर दो होना, वह मेरी पसंद नहीं है। कि मैं खड़ा हूं क्यू में, वह नहीं, नरक सही, लेकिन नंबर एक, क्योंकि पहचान में नंबर एक का रस है। जब तुम नंबर एक खड़े होते हो, चाहे नरक सही, लेकिन राष्ट्रपति और तुम्हारे सब राष्ट्रपति नरकों में हैं और कहीं हो भी नहीं सकते, लेकिन नंबर एक होने का मजा इतना है कि लोग नरक झेलने को तैयार हो जाते हैं। जीसस ने कहा है कि जो पंक्ति में प्रथम खड़े खड़े हैं, ध्यान रहे, स्वर्ग के राज्य में वे अंतिम होंगे, और जो पंक्ति में अंतिम खड़े हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हें प्रथम खड़ा करेगा। लेकिन अंतिम खड़ा होना कौन चाहता है? अंतिम होने की बात ही पीड़ा देती है, सोचकर ही दुख होता है। पहचान खो जाएगी, रूप न होगा, रंग न होगा, काया न बचेगी, ये किनारे न होंगे, यह ढंग न होगा। तो नदी ने कहा, मैं ही हूं, इसका पता कैसे चलेगा? इसलिए तो हम शरीर को इतने जोर से पकड़ते हैं। कितने ही ज्ञानी चिल्लाते हो कि तुम आत्मा हो, लेकिन तुम उनकी सुनकर भी शरीर को जोर से पकड़े हो, क्योंकि वह तुम्हारा किनारा है। उनके बीच तुम्हें पक्का पता है कि तुम कौन हो। ज्ञानियों की मानी तो आत्मा हवा हो जाएगी, उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई नाम है, न कोई परिचय, न कोई पता और न कोई ठिकाना। वह अरूप है, अरूप आत्मा। सुन लेते हैं हम, लेकिन मन हमारा रूप को पकड़ता है, क्योंकि रूप के साथ पहचान बनी रहती है। पहचान बड़ी क्षुद्र है, कोई बहुत गहरी नहीं। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में आया। मेला भरा था गांव में और कहीं जगह ठहरने को न मिली। बमुश्किल एक होटल का मालिक राजी हुआ। उसने कहा, तुम्हें दूसरे के कमरे में साथ ही सोना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। नसरुद्दीन ने कहा, सोना ही तो है। तो वह कमरे में सो गया। दूसरा आदमी वहां पहले से मौजूद था। नसरुद्दीन ने उससे कहा, और सब तो ठीक है, एक ही तकलीफ है, लेकिन कोई बात नहीं। वह जूता पहने, पगड़ी बांधे, कपड़ा कोट पहने बिस्तर पर सो गया।
फिर करवटें बदलने लगा। उस दूसरे आदमी को भी नींद न आई। वह भी अजीब आदमी है, पगड़ी भी नहीं उतारी, जूता भी नहीं उतारा, नींद इसको कैसे आएगी? और यह करवट बदलता रहे तो मुझे भी नींद नहीं आ सकती। तो उसने कहा, मेरे भाई यह कपड़ा तो कम से कम उतार दो, जूता पगड़ी। नसरुद्दीन ने कहा, फिर सुबह मैं पहचानूंगा कैसे कि मैं कौन हूँ? यह पगड़ी, यह जूता, यह कोट, इनमें मेरी पहचान है, और सुबह झंझट खड़ी फिर होगी। उस आदमी ने कहा, इसमें क्या, कोई रास्ता हम निकाल लेते हैं। यह उचित नहीं कि रात भर न तुम सो पाओ और न मुझे सोने दो। तो पहले जो लोग कमरे में रुके होंगे, उनके बच्चे एक खिलौना छोड़ गए थे, एक फुग्गा छोड़ गए थे, वह कमरे में पड़ा था। उस दूसरे आदमी ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम कपड़े उतार दो, यह फुग्गा मैं तुम्हारी टांग में बांध देता हूँ, यह तुम्हारी पहचान रहेगी सुबह कि तुम ही हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, यह ठीक है, इससे काम बनेगा, कोई पहचान छोटी सी सही, फुग्गा ही सही। उस आदमी को रात मजाक सूझी, क्योंकि वह आदमी कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सभी आदमी इसी तरह के हैं, सभी को पहचान। और पगड़ी आसान है उतारना, पगड़ी के लिए तो सारा खेल चल रहा है, तो जब तुम्हारी इज्जत चली जाती है तो लोग कहते हैं पगड़ी उतर गई। जब किसी को किसी की इज्जत लेनी रहती है तो पगड़ी गिरा देता है, पगड़ी उतार लेता है। यह कहानी तो बिल्कुल ठीक है, आदमी की ही कहानी है। उस आदमी को रात में मजाक सूझी, उसने फिर फुग्गा काट लिया नसरुद्दीन की टांग में से। जब नसरुद्दीन खर्राटे लेने लगा और अपनी टांग में बांधकर सो गया, सुबह मुल्ला नसरुद्दीन उठा। उसने घबराकर दूसरे व्यक्ति को उठाया और उससे कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें झंझट होगी, अब बड़ी मुसीबत हो गई। इतना तो पक्का है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि फुग्गा मेरी टांग में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन यह भी मुझे मानने में बड़ी मुसीबत हो रही है कि तुम मैं हूँ, और यह और मुसीबत की बात है। हमारी सारी पहचान शरीर से है, इसलिए हमें पिछले जन्म की याद भूल जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं निरंतर आकर कि पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती, याद कैसे रहेगी? पिछले जन्म में जो शरीर था वह अब नहीं है, जो फुग्गा बना था वह अब नहीं बना है, जो नाम था वह अब नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से हमारे जो नाम है वो अलग अलग रहे हैं, जो रंग रूप था वह अब नहीं है, नाक कुछ और थी, हाथ कुछ और थे, पैर कुछ और थे, ढंग कुछ और था, सब बात बदल गई, और पहचान तुम्हारी उसी का जोड़ थी। इसलिए पिछले जन्म की याद नहीं रह जाती, क्योंकि याद रहने के लिए पहचान का आधार ही खो गया। आइडेंटिटी का कार्ड जो पिछले जन्म में तुम्हारा था अब नहीं है, उसी को देखकर तुम पहचानते थे कि यह मैं हूँ, तो स्मृति जुड़ी रहती थी। सारी स्मृति पहचान के सेतु को चाहती है, नहीं तो स्मृति खो जाएगी। जब तक तुमने भीतर न झांका हो, जब तक न देख लिया हो जिससे फुग्गा बांधा है, तब तक तुम झंझट में पड़ोगे। हर बार स्मृति खोएगी, हर बार तुम भटक जाओगे, इसलिए पिछले जन्म की याददाश्त नहीं रहती। नदी ने घबराकर कहा कि बात तो ठीक है कि मैं साथ हो जाऊं, लेकिन यह तो आत्मघात मालूम होता है। ध्यान रहे, अहंकार को धर्म सदा आत्मघात मालूम होता है, सुसाइड मालूम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम मिटे। साथ होने का मतलब है कि तुम्हारी पहचान खो जाएगी। हम झुके कि हम गए, फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या, तुम्हारा गुण गौरव क्या? नदी को भी लगा कि यह तो आत्महत्या है, अपने हाथ से मर जाना है, इससे तो बेहतर है लड़ते रहो, कुछ देर तो रहेंगे, डबरे बन जाएंगे, सूखेंगे, लेकिन लड़ाई तो रहेगी। रेगिस्तान कम से कम इतना तो जानेगा कि हम ऐसे ही मिट न गए, हमने ऐसे ही हथियार न डाल दिए, लड़े थे। मेरा रूप बदल जाएगा, फिर मेरी पहचान क्या रहेगी? ध्यान रखना, रूप और स्वरूप में बड़ा फर्क है। रूप का अर्थ है
वह जो तुम्हारे बाहर है। स्वरूप का अर्थ है वह जो तुम्हारे भीतर है। रूप तो बदल जाता है, हर जन्म में स्वरूप नहीं बदलता। और अगर तुमने रूप को ही समझा है कि मैं हूँ, तो तुम हर बार मुसीबत में पड़ोगे।